किसी भी प्लाट जमीन पर रजिस्ट्री कराते समय कितना खर्च आता है, कैसे निकाला जाता है, क्या सर्किल रेट होता है, कैसे स्टाम्प शुल्क निकाला जाता है, कैसे कोर्ट रसीद निकाली जाती है, इन सभी सवालों को आज हम जवाब देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निकालना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स चेक कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लाट, कोई प्लाट हो या जमीन हो, किसी भी किस्म की जमीन है या उसमें रजिस्ट्री कराना है तो किस प्रकार से उसका खर्च निकाला जाता है। आए दिन आप देखते होंगे वकील के माध्यम से या मुंशी के माध्यम से आपको ठगी का शिकार होते हैं, साथ ही साथ आपके अलग बर्ताव होता है या ठगी महसूस करते हैं कि आप मुझसे ज्यादा फीस ले ली गई। तो मैं उसी सिलसिले में, चूंकि यह लोगों की समस्या है, यदि ये चीजें समझ में आ जाए कि कितनी फीस देनी चाहिए, क्या वाजिब पैसा देना चाहिए, कहाँ कोर्ट फीस कितनी लगती है, कितने का स्टाम्प शुल्क आता है, यदि ये चीजें समझ में आ जाए तो वाकई में वो चीज सुरक्षित हो सकता है और किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्किल रेट क्या होता है। सर्किल रेट जो होता है ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है, अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जमीन के सर्किल रेट होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ यदि कोई, जैसे मान लीजिए आपका लखनऊ का एरिया है, तो वहाँ यदि 20 लाख 25 लाख का सर्किल रेट चल रहा है तो आपका फतेहपुर में या आपका इलाहाबाद में, सभी जगह अलग अलग रेट के हिसाब से उसका गवर्नमेंट उसको निर्धारित करती है। जैसे निर्धारित कैसे करती है, मान लीजिए वहाँ जमीनें कम हैं और वहाँ लेने वाले ज़्यादा हैं, यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इस हिसाब से भी सर्किल रेट बढ़ जाता है और उसका अप्रूवल गवर्नमेंट कर देती है। उसके अकॉर्डिंग ही स्टाम्प शुल्क लगाए जाते हैं, उसी हिसाब से पूरा उसका जोड़ खर्च निकाला जाता है। तो जो सूची होती है, यह लिस्ट जो है हर तहसील में अप्रूवल करके डीएम के माध्यम से ये पूरी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए ए गांव है और हम दो ही गांव को लेते हैं, ए और बी गांव, दो गांव है। यदि 10 फुट के रास्ते पे यदि कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसका जो सर्किल रेट निकल के आता है वो 1000 है और बी वाले में 1200 रुपए। समझाने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ये सर्किल रेट में इस तरह की पुस्तिका होती है और इस पुस्तिका में लिखा होता है, जैसे 10 फुट से अधिक रास्ता है, मान लीजिए 15 फुट की रास्ता है, वहां देखिए क्या है, ए वाले में 1300 रुपए का है और 1400 रुपए का है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इसका अलग अलग, जैसे वणिज्य कोई शॉप है, दुकान है, तो उसके लिए देखिए ए में 4000 है और बी में 6000 है, 6000 स्क्वायर फीट के हिसाब से रुपया लगेगा। और इसी तरह आबादी है, आबादी में 28 लाख रुपए का दिया हुआ सर्किल रेट, इसमें 30 लाख का दिया है। तो इस प्रकार जैसे कोई खेती की जमीन है तो यहाँ 10 लाख का सर्किल रेट दिया हुआ है सर्किल रेट। जैसे कोई जमीन 1 बीघे 2 बीघे जब जमीन की रजिस्ट्री कराता है तो उसके लिए जो समान श्रेणी की जो जमीन होती है उसके लिए अलग प्रावधान होता है, उनके लिए ये प्रक्रिया होती है। तो सबका अलग अलग मानक गवर्नमेंट के माध्यम से निर्धारित कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग, इस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पूरा पैसा, स्टाम्प शुल्क रसीद सब कुछ निकाला जाता है। ये आपने समझ लिया कि सर्किल रेट क्या होता है, सर्किल रेट आपने समझ लिया ना। आप समझते हैं कि स्टाम्प शुल्क कैसे निकालते हैं और कोर्ट फीस। इसके लिए उदाहरण के लिए हम कोई एक प्लाट ले लेते हैं, जैसे प्लाट 20x50 का कोई प्लाट, आप अमूमन रूप से 20x50 का ही प्लाट लिया जाता है, ज्यादातर लोग लेते हैं। तो ये स्क्वायर फीट में होता है, जैसे 20 फुट का चौड़ान है, 50 फुट लंबान है, तो उसका एरिया कितना हुआ, 1000 स्क्वायर फीट। अब इसको वर्ग मीटर में बदलना होगा, तो बस इसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 में इससे भाग दे देना है, तो ये निकल के आ जाएगा 92.93 वर्ग मीटर, यानी कि 93, चूंकि कुछ ही 0.7 पॉइंट कम है तो 93 वर्ग मीटर पूरा मान लिया जाएगा। ये समझ में आ गया किस प्रकार से वर्ग मीटर में निकालना है। वर्ग मीटर में निकालने के लिए 10.76 से भाग दे देना, तो वर्ग मीटर में निकल के आ जाएगा। अब समझते हैं कि किस प्रकार से मालियत निकाली जाती है। मालियत निकल आएगी तभी स्टाम्प निकल पाएंगे। तो ये वर्ग मीटर में आपने बना लिया। अब यदि मालियत निकालनी है तो ये जो वर्ग मीटर को आपने निकाला है तो वर्ग मीटर आपने लिख दिया। अब क्या रेट लिस्ट है, मान लीजिए आप प्लाट लिए 10 फुट के चौड़े पे रास्ते पे लिए होंगे, तो हमने मान लिया कि बी वाले जैसे बी गांव में ले रहे हैं तो आपका 1200 स्क्वायर फीट का रेट लगा दिया गया, तो ये कितना आ गया मान लीजिए
पूरा मालियत आ गया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,11,600 रुपए 600 का ये मालियत निकाल के आ गई। इस मालियत के अकॉर्डिंग अब स्टाम्प लगाया जाए। अब जैसे स्टाम्प अब महिला के नाम कराना है कि पुरुष के नाम कराना है, यदि महिला है तो उसका 4% लगेगा, पुरुष है तो 5% लगेगा। तो अब जैसे महिला का हमने अमूमन एक उदाहरण लिया गया है, तो जैसे कोई ये जो मालियत है आपकी तो मालियत रख दिया और इस पे 4% का निकाल लेंगे, मालियत का 4% निकालना है तो मालियत का जैसे 4% निकालेंगे तो 4,464 रुपए का स्टाम्प निकल के आ जाएगा, ये आपका होगा स्टाम्प। मालियत का 1% ले लिया, मालियत तो यही है ना आपकी, ये मालियत है, ये मालियत का यदि 1% निकाल लिया तो ये रसीद बन जाएगी, 1,116 रुपए की रसीद बन जाएगी। इस प्रकार से आपने स्टाम्प और मालियत के संदर्भ में समझा। आप समझते हैं कि क्या क्या खर्च आते हैं यदि कोई रजिस्ट्री कराता है तो उसमें क्या क्या खर्च आते हैं। जैसे स्टाम्प तो हो ही गए 4,464, रसीद हो गई 1,116 रुपए, इसके बाद सुविधा शुल्क हो गए 1,116 रुपए। जैसे आप अमूमन रूप से रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ सुविधा शुल्क लिया जाता है। एडवोकेट फीस अमूमन कम से कम 2,500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक यह एडवोकेट फीस लगती है, वकीलों की फीस है, वो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग वकील अपने हिसाब से पैसा लेते हैं, तो कम से कम 2,500 रुपए लिया जाता है, ये हो गया। तो ये कितने शुल्क आ गई पूरी टोटल 9,196 रुपए, ये पूरा टोटल आपका जोड़ आ गया कि इतने का स्टाम्प है, इतने की रसीद है, इतनी कोर्ट फीस है, इतने एडवोकेट फीस है। अब इसमें आपका ऑनलाइन और फोटो कापी, ये क्योंकि बाहर से होता है तो ये आपको देना हो, लगभग ये भी 1,000-2,000 में ये भी आपका कार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा मामला हमने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट आन खुला हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम समझते हैं कोई जमीन है, कृषि वाली जमीन है, उस कृषि वाली जमीन को जैसे 0.175 एक हेक्टेयर, एक बीघे का हम निकालते हैं, एक हेक्टेयर है जैसे। अब इसमें सपोज दैट सर्किल रेट हमने समान भूमि है जो कि 10 लाख है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 0 पॉइंट है 175 × 10 लाख, 10 लाख। अब इसको मालियत, चूंकि इसको निकाल लेंगे तो ये आपकी मालियत निकल आएगी, मालियत, और मालियत का आपको बता दिया कि मालियत का 4% आपको महिला को देना है, मालियत का स्टाम्प जो है 4%, यदि मालियत जो निकालेंगे इसको गुणा करने के बाद जो भी निकलेगा आपका, सपोज दैट मालियत का 4% आपका स्टाम्प हो जाएगा, और मालियत का 1% आपकी रसीद हो जाएगी, बाकी उसी तरह जो सेम टू सेम आपको मैंने बताया, जैसे सुविधा शुल्क और एडवोकेट फीस वही रहेगी। तो इस प्रकार से आपको भली भांति समझना है और जानना है और फ्रॉड चीट से बचना है। यदि आप इस तरीके से आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह संज्ञान में आ जाएगी और किसी भी प्रकार की फ्रॉड नहीं हो पाएगी आपके साथ, आपका पैसा सुरक्षित होगा। चलिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।